لله رب العالمين والآقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم, علي ويحرم عليهم الخبائث ويذعوا أنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك تمام تعريفي أصلا رب العالمين جسر بكاين همي أبكو अपनी घरों में से एक घर में जमा होकर उसकी शरीयत की कुछ बातें कहने और सुनने की तौफीक दी है दुआ करें कि अल्लाह रब्लमीन हम सब का यहाँ इकट्ठा होना जमा होना कबूल फरमा ले अमीन सलाम, अल्लाह रब्लम के भेजे हुए तमाम नबियों और रसूलों पर जिन्हें ताला ने दुनिया वालों की रश्दो हिदायत के लिए इस जहाफ़ानी के अंदर मरूज़ फरमाया खूसियत के साथ बेपनाह अनगिनत ला तदादा सलाम, हम सब के इमाम इमाम आदम इमाम कायनत इमामबिया जनाब महम्मदूल सल्लास अल्लाह मसल आला महमद वहम्मद खमा सल अल इब्राहिम वायल्ण का मजीद

माह रजब शरीयत के मीजान में मैंने खुतब मसनूना के बाद कुरान मजीद सुरतुल आराफ से आयत नंबर एक सौ सतावन वन फिफ्टी सेवन पढ़ी है अल्लाह रबालमीन ने इस आयत करीमा के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सिफात का तस्करा किया है जो सिफात अल्लाह ने तौरात के अंदर बयान किए थे वो सिफात क्या है अल्लाह ने कहा الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इतबा करते हैं जिनको वो लोग अपने पास तौरात व इंजील में लिखा हुआ पाते हैं अल्लाह ताला ने यहाँ पर यहूद नसारा के मुतालिक खबर दिया और यहूद नसारा में भी वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे और जिन्होंने ईमान लाने के बाद आपकी इत्तेबा आपकी ताबेदारी आपकी फर्मा बरदारी की है अल्लाह ने कहा उस नबी के मुतालिकौरात और इंजील दोनों में खबर दी गई है क्या खबर है व अनिल मुनकर अभी अल्लाह के नबी वसल्लम के सिफात शुरू हो रहे अल्लाह के नबी उन्हें भलाई का हुक्म देते हैं और उन्हें बुराई से रोकते हैं व और वो नबी इनके लिए पाकिजा चीजों को हलाल बनाते हैं और गंदी चीजों को हराम करते हैं उ अनह इसम व अगला और लोगों पर जो बोझ और तो थे उनको दूर करते हैं फल अनुबी जो लोग उस नबी पर ईमान लाए वरू हो और नबी की हिमायत की व नसरू हो और नबी की मदद की वह तबाउ लदी उन जिला माहू और उस नूर की इतबा की जो नबी के साथ नाजिल किया गया उला तो यही लोग कामयाब होने वाले हैं इस आयत का रजब से क्या ताल्लुक लेकिन एक बहुत गहरा ताल्लुक है बिरादर मोहतरम अब्दुल अजीज साहब ने एक बात क्या बतलाई कि लोगों ने साल के बारह महीने नहीं साल के बावन हफ्तों में हर हफ्ते अपने लिए एक बिदात का इजाद कर लिया है जबकि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत क्या बयान की अनहुम इसरहुम वल लती अलैहिम नबी को अल्लाह ने इसलिए भेजा कि लोगों के ऊपर शिर्क और बिदात के जो बोझ पड़े थे नबी उस बोझ को उठा करके इन्हें हल्का कर दे लेकिन लोगों ने हल्का होने के बाद आज बिदात के बोझ दोबारा अपनी गर्दनों पर डाल लिया है और ये अल्लाह के रसूल की खुली हुई मुखालिफत है इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह ने क्या कहा कि नबी की तो सिफत यह बयान की गई कि नबी जो है उनके ऊपर जो बोझ पड़े हुए थे उस बोझ को दूर कर दे लोगों से बोझ उठा दे बोझ क्या था लोग कंधे पे पहाड़ लेके नहीं फिरते थे हाँ बोझ ये था कि लोग अल्लाह के साथ दूसरों की इबादत भी करते थे अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक भी करते थे खुराफात में तवाहुमात में लोग पड़े थे नबी आए आपने तोहीद की दावत दी एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया लोगों से जो तवाहुमा, तवाहुमात थे उन्हें खत्म किया लेकिन आज दोबारा लोगों ने आलमीन की नाफरमानी करते हुए और नबी सिफत को भुला करके अपने आप को दोबारा बिदात खुराफात और तवहमात में ले आए हैं की खुली हुई मुखालफत है याद रखेंबुल्जत ने साल के बारह महीने मुतन किए हैं अगर हम सूरत तोबा की तिलावत करें तो सूरत की आयत नंबर छत्तीस थर्टी सिक्स मेंबी ने क्या कहा महीनों के तादाद बारह होंगे एक बुनियादी चीज याद रखें ये जो कैलेंडर में बारह महीने हमें दिखते हैं ये कोई नई ईजाद नहीं है बल्कि अल्लाह ने कब लिखा था जब अल्लाह ने आसमान और जमीन पैदा किए थे उसी दिन अल्लाह ने लिख दिया कि महीनों के तादाद बारह होंगे मिनहा मिरा हुरम हाँ इनमें चार हुरमत वाले महीने होंगे ये चार हुरमत वाले महीने कौन है इसके ताल्लुक से अबू बकरा रदी अल्लाह हदीस पढ़े हम अबू बकर नहीं अबू बकर हजरत अबू बकर दूसरे हैं खलीफतुलमसलमीन अशरह मुबशरा में से हैं अबू बकर यह दूसरे साहबी है अबू बकरा रदी अल्लाह तनो सुखारी में किताबो तफसर की रवायत है

या मुहर्रम से दो महीने पहले जुल्कादा, जुल्हिजा और मुहर्रम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और चौथा महीना जो है वो जुमादे, यानी जुमादल उला जुमादल आखिरा, और शाबान के दरमियान में है रजब का महीना है कौन सा महीना है रजब का महीना है तो हदीस में एक लफ्ज है यह हम कैलेंडर में पढ़ते हैं रजबुल मुराजब महीना पढ़ते हैं तो वही रजब का महीना उसी के बारे में बात हो रही है और अल्लाह के नबी ने जो फरमाया रजब मोदर लवी बैन जुमादे व शाबान हदीस के अल्फाज हैं तो अरब का एक मशहूर कबीला था कबीला मुदर तो रजब के महीने की निस्बत उस महीने की तरफ उस कबीले की तरफ की जाती थी उस दौर में कि वो लोग इस महीने का बहुत ज्यादा एहतराम करते थे वो लोग क्या करते थे एहतराम किया करते थे जमाना चाहलीत में इस्लाम से पहले जो है लोग इन चार महीनों का बहुत ख्याल रखते आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना गाली गलोच नहीं करना और रजब का जो महीना है रजब अरबी जबान का लफ्ज है और इसके माने तरजीब के हैं तरजीब यानी जिसकी ताजीम की जाए तो रजब के महीने का जो है एहतराम बहुत ज्यादा था अरबों के यहां जमान चाहलीत में एहतराम की एक सूरत यह थी कि वो लोग रजब के महीने में अपने मबूदाने बिला के लिए जानवर जिबाह करते थे वो जिन बुतों की इबादत करते थे उनके लिए जानवर जिबाह करते और उनके लिए नजरों न्याज करते उनके नाम पर जो मन्नत मांग के रखते या नजर चढ़ा के रखते उस नजर को पूरी करते थे जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने इस चीज की बिल्कुल तौर पर लोगों को इससे मना कर दिया सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है अब तन हदीफ रावी है कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फरआ वला अतीरा इस्लाम में ना फरआ है ना अतीरा है ये दोनों लफ्ज क्या है फरआ और अतीरा इसके बारे में जान लेते हैं फरआ के बारे में मुहद्दिसिन कहते हैं कि इससे मुराद ऊंटनी गाय और बकरी का वो पहला बच्चा होता था जिसे वो पैदा करती थी यानी ऊंटनी गाय या बकरी जो पहले बच्चे को पैदा करती उस बच्चे को क्या करते थे उस दौर के लोग अपने महबूदों के नाम पे छोड़ देते थे अपने महबूदों के नाम पे क्या है छोड़ देते थे और छोड़ने के बाद जो है उसको ना कोई खाता था ना उस पर कोई सवारी करता था ना उसे कोई नुकसान पहुंचाता था उसकी ताज़ीम किया करते थे और उसे छोड़ दिया करते थे ऐसे ही अतीरा का لفظ हदीस के अंदर आया तो अतीरे से मुराद वो जानवर है जिसको लोग रजब के महीने में अपने बुतों के नाम पर जिबाह करते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरआ और अतीरा के जानवर जब पहला बच्चा पैदा करे तो उसे किसी के नाम पे छोड़ा नहीं जाए और अतीरा रजब में खास करके अपने माबूदों के नाम पर जानवर जिबाह ना किया जाए अच्छा इसरी से जो मैंने आपको सुनाई इस बात का भी सबूत मिलता है कि गैरुल्लाह के नाम पे जानवर जबह करना क्या है हराम है इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया अकीदा से जो आपने मना फरमाया उसकी वजह क्या थी वो अपने बुतों के लिए जानवर जबह करते थे और बुत क्या है या बुत क्या हर वो चीज जिसकी अल्लाह के अलावा इबादत की जाए वह गैरुल्लाह है अब वो उनके पत्थर के बुत हों या हम खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का साजी और शरीक ठहरा लें या कायनत के किसी नबी वली बुजुर्ग या किसी फरिश्ते को या किसी जिन को जो है उसके नाम पर जानवर ब की जाए उसकी इबादत की जाए तो यह गैरुल्ला है और अल्लाह के नबी वसल्लम ने इस हदीस में क्या है गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ब करने को हराम करार दिया और एक चीज़ याद रखे कि गैरुल्ला के नाम पर जानवर ब करना यह शिरक अकबर है बगैर तोबा के इंसान मर जाए तो इस्लाम से खारिज हो जाता है कुरान मजीद की तिलावत कीजिए अगर हम पढ़ें तो सूरतुलमायदा की

और भी कई चीजों का तस्करा किया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मौद ये है है कि अल्लाह ने कहा मुर्दार हमारे लिए हराम सिवाय दो मुर्दार के सिवाय दो मरी हुई चीजों के कौन कौन समंदर की मछली और टिड्डी जजाक खैर दो चीजें मछली और टिड्डी ये मुर्दा हालत में भी मिले तो हम खा सकते हैं उसके बाद अल्लाह ने कहा वह दम और खून तो खून में भी दो खून हमारे लिए हलाल है अलकबित और कलेजा ये खाना क्या है हलाल है लेकिन जानवर जिबा किया और खून को जमा करके फ्रीजर में जमा ले और उसके बाद उसको काट के खाए पका करके तो ये हलाल है नहीं है वह दमूह इसको दम मसूह कहते हैं यानी बहता हुआ खून तो बहते हुए खून को जमा करके खाया नहीं जा सकता ये हराम है वलहमुल वह और सूअर का गोश्त सूअर का गोश्त ये बड़ा अहम चीज है यह एक बात मैं आपको बतलाऊं कि बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो आज मार्केट्स में नजर आते हैं वो खाना बनाते हैं मिसाल के तौर पर चिकन भी बेच रहे हैं वो वो मटन भी बेचते हैं और उसको फ्राई करके सप्लाई करते हैं तो खाने से पहले जरा एहतियात कर लिया करें कि उनके यहाँ पोर्क या सुअर का गोश्त बिकता है नहीं। कि नहीं बाज लोग अलग तेल में तलते उसको अलग तेल में तलते मैंने पूछा एक भाई साहब ने देखा है कभी नहीं मैंने सुना है तो मैंने कहा फारसी का बहुत मशहूर जुमला है सुनीदा कब कब दीदा बाशत। सुना हुआ देखे हुए की तरह होता है सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें खाने के मामले में इस चीज का जरूर ख्याल करें कि जहां भी जाए हलाल खाने की हलाल इख्तियार करने की कोशिश करें हाल वो एक जिमन बात थी वमा अल्लाह ने कहा कि हर वो चीज जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए और आगे इसी आयत में एक लफ्ज है वमा अकबर उससे मुराद क्या है कि वो जानवर जिसे आस्तानों परिबाह किया जाए दो चीजें हैं जिस पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए और वो जानवर जिसे किसी के आस्ताने पर परिबाह किया जाए याद रखे एक चीज ये दोनों क्या है दोनों हराम है हा एक नुकता याद रखे अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जिबा किया जाए गर्चे पढ़ के ही क्यों ना जिबा किया जाए या किसी परिबह किया, किया जाए आप देखें ग्यारहवीं शरीफ का जब मौका आता है तो लोग माशात के एतबार से शेख अब्दुल जिलानी रह मुहबत में जो है जानवर जिबाह करते हैं अच्छा आप जब भाइयों से पूछिए तो क्या कहते हैं भाई हमने तो बिस्मिल्ला पढ़ के ही जिबा किया है आप उससे पूछिए कि तुमने किस लिए जिबा किया तुम्हारी नीयत क्या है तो नहीं मैं ये नजर जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर चढ़ाता हूं असल नीयत का एतबार है बिस्मिल्ला पढ़ के सुअर जिबाह किया जाए तो हलाल नहीं होता है ऐसे ही बिस्मिल्ला पढ़ के जो चीज गैरुल्लाह के नाम पर जिबा की जाए वो हलाल नहीं है ऐसी वो भी और जो आस्तानों पर जिबा किया जाए उसमें भी अगर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए तो ये हराम है ये क्या है हराम है इसका खाना इसका, इसका इस्तेमाल करना हराम है आइए एक हदीस मैं आपको सुनाऊं बड़ी हदीस है साबित बिन जहाक हदीस के रावी है। सुनन की रिवायत है अलबानी ने इसकी सन्नत को सही करार दिया है एक आदमी अल्लाह के नबी वसल्लम के पास आया और आके कहता है अल्लाह के रसूल मैं बवाना नामी मकाम पर एक ऊंट जिबाह करना चाहता हूँ जरा गौर करें इस हदीस पर हमारे यहां भी होता है कि मैं फला आस्ताने पर एक जानवर जबाह करना चाहता हूँ फला साहब की वहां खबर है मैं वहां एक जानवर जिबाह करना चाहता हूं उस शख्स ने कहा कि मैं बवाना नामी मकाम पर एक जानवर जिबाह करना चाहता हूं तो अल्लाह के नबी वसल्लम के सवाल देखिए आपने क्या पूछा हल्का नफीहा नफीहात जिस जगह तुम जानवर जिबाह करना चाहते हो क्या वहां जाहलीत के बुतों में से किसी बुत की पूजा होती थी तो सहाबी ने कहा कि नहीं फिर अल्लाह के नबी ने सवाल किया हल्का नफी क्या वहां लोग जश्न या उर्स मनाते थे? तो ने कहा कि नहीं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, जो तुमने नजर और मन्नत मानी है उसे पूरा कर लो और एक चीज याद रखो अल्लाह की नाफरमानी में कोई नजर पूरी नहीं करनी है और ना ही ऐसी नजर माननी है जिसकी हमें ताकत ना हो जिसकी हमें ताकत ना हो ऐसी नजर नहीं माननी है अल्लाह अकबर अभी कल की बात है मैं और हमारे दोस्त अब्दुल सलाम भाई हम दोनों गुजर रहे थे बारकस से तो आप पीली दरगाह के पास जाकर के देखिए उर्स देखिए आप वहां पर जाकर के अल्लाह अकबर हम जब कहते हैं कि औरतों को मस्जिद आने दो उन्हें दीन सीखने का हक है तो ये उर्स पर बैठ करके लोगों का माल हराम तरीके से खाने वाले यही मौलवी कहते कि औरतें मस्जिद जाएंगी तो फितना होगा और इन्हीं की औरतें वही मजारों पर चक्कर मार रही हैं सर मार रही हैं मेला ठेला लगा हुआ है लोगों के चलने की जगह नहीं है क्या वहां फितने नहीं होते क्या वहां फितने नहीं होते अल्लाह के नबी ने कहा कि जहां उर्स मुनिद की जाए वहां जानवर जिबा करना हराम है क्योंकि वो गैरुल्लाह के लिए दिबा किया जा रहा है वो गैरुल्लाह की रजामंदी के लिए दिबा किया जा रहा है घर से आप बिस्मिल्लाह पढ़ के दिबा करें वो नाजायद है वो हराम है अकबर याद रखे हरमत वाले महीनों में रजब भी एक ऐसा महीना है जिसमें बहुत सारे हराम और नाजायज कामों के साथ साथ बड़ी बड़ी बिदाते अंजाम दी जाती है और एक मुसलमान की जिंदगी में सबसे बेहतरीन उसेवा और नमूना कोई है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके बाद वो साहब करामी अल्लाह है जिन्होंने अपनी जान अपनी माल और अपनी सांसें लुटा करके इस्लाम की खिदमत की है और हम तक दीन पहुंचाया है लिहाजा याद रखें कोई भी महीना हो रजब का महीना हो शाबान का महीना हो रमज़ान का महीना हो शवाल जुलहिज्जा मुहर्रम कोई भी महीना हो हर महीने को जो है शरीयत के मीज़ान पर तोला जाएगा शरीयत के मीज़ान पर तोला जाएगा और शरीयत का कुरान मजीद अल्लाह के नबी की अहादीस या सुनते और सहाबा का अमल है ये देखा जाएगा इस मीजान पर कि इस महीने में जो आमाल अंजाम दिए जाते हैं या जिनकी तरगीब दिलाई जाती है क्या वो आमाल जो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबा से साबित है या नहीं अगर उस मीजान में ये आमाल खरे उतरते हैं तो हम और आप उस पर अमल करें अजर है उसमें और अगर नहीं उतरते तो उससे बचें अल्लाह की उससे पनाह मांगे उससे दूर रहें वरना याद रखे कि हमारा ईमान कब लुट जाए तबाह हो जाए खत्म हो जाए हमें और आपको इसका एहसास तक नहीं होगा रजब के महीने की फजीलत बड़े बड़े स्टेजों से और बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े उलमा की जबानी सुनी जाती है जबकि याद रखे रजब के महीने की फजीलत के ताल्लुक से जितनी भी हदीसें जितने भी मसाइल बयान किए जाते हैं वो दो तरह के हैं या तो वो सनदन जयफ हैं, या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गड़े गए झूठ और आइए, मैं आपको बताऊं रजब में होने वाली तीन या चार बड़ी बिदातें पहली बिदात जो है सलातोर रगैब के नाम से है रजब के महीने में एक खास नमाज का एहतमाम किया जाता है इसकी लोगों ने इस खास नमाज की कैफियत कहिफ, जो है खुद से गढ़ के नबी अलैहि वसल्लम के तरफ मंसूब कर दी है और इसके ताल्लुक से जो हदीस बयान की जाती है बड़ी लंबी हदीस है उसकी इब्तिदा कैसे है कि कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं वो हदीस सुना रहा हूं आपको अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए रजब शहरुल्लाह वह शाहबान और शहरी व रमज़ान और शहर व उम्मी यह हदीस है बड़ी लंबी हदीस है इसकी इब्तदा यहीं से है कि रजब अल्लाह का महीना है शाहबान नबी का महीना है और रमज़ान अल्लाह के नबी की उम्मत यानी हमारे लिए महीना है इस हदीस में रजब के बहुत सारे झूठे झूठे फ़दायल बयान किए गए हैं उसके बाद अल्लाह के नबीम की तरफ मनसूब की जाती है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि जो शख्स रजब की पहली जुमरात के दिन रोज़ा रखे रजब के पहले जुमेरात को रोजा रखे और जुमा की रात मगरिब और इशा के दरमियान बारह रकत नमाज पढ़े कितनी रकत दो दो रकत करके बारह रकत नमाज पढ़े पढ़ने का तरीका क्या हो हर रकत में सूरत फातिहा के बाद तीन मरतबा हो फी होफी कदर और बारह मरतबा सूरत इखलास पढ़े बारह रकत ऐसे ही पढ़ ले जब नमाज से फारिग हो जाए तो अल्लाह के नबी पर सत्तर मरतबा दरूद पढ़े वो भी दुरूद की ये सल्ले अला मुहम्मदी नबी यह कलेमा अला वाली फिर सजदे में चला जाए नमाज के बाद सजदा करे बारह रकत के बाद और सजदे में ये दुआ पढ़े सुब्बुहन रबुल सर उठाए और सत्तर मरतबा यह दुआ पढ़े रब وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاعظم الله اكبر ये नमाज का तरीका है सलातुर रगैब का अब ये नमाज सही है या नहीं या इस नमाज की जो हदीसें बयान की जाती हैं इसके बारे में मुहद्दिसीन क्या कहते हैं मैं आपको मुख्तसरन बताता हुआ चलूं सबसे पहली बात इमाम इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह ने उनकी शोहरत आफाक किताब जिसमें उन्होंने सिर्फ उन्हीं हदीसों को लिखा है जो हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गढ़ी गई आपके तरफ झूठ मंसूब की गई आपने रगायब की इस रिवायत को अपनी किताब अलमौुआत में जिक्र किया है यानी इस हदीस की सनद क्या है और इस हदीस के अल्फाज क्या है नबी वसल्लम पर गढ़े गए झूठों में से एक झूठ है और इमाम इबन रह कहते हैं के इस हदीस के गढ़ने का असल मुलजिम मुलजिम जो है वो इब्ने जहजम नामी शख्स है जो बहुत झूठ बोलता था जो बहुत क्या है झूठ बोलता था और शेख अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह अल हाफिज अब्दुल शेख अब्दुल वहाब अल हाफिज रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस की सनद में जितने भी रावियों का जिक्र किया गया है वो सब के सब मझूल है किसी के बारे में कोई तारीख नहीं मिलती है अस्माउल रजाल की किताब जो है अस्माउ रजाल की जो किताब होती है उसमें क्या है जिंदगी होती है लेकिन सलात की रिवायत करने वाले रावियों के बारे में हाफिद, आ, शेख कहते हैं कि इसके सारे रावी क्या है मजहूल है इनके बारे में हमें कोई जिक्र ही नहीं मिलता यह है कौन लोग और इससे बढ़कर मैं आपको बतलाऊं इमाम जहाबी रहमला कहते हैं कि ये ऐसे रावियों से हदीसें बयान की गई है जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए हैं अल्लाह इमाम जहाम कहते हैं अपने दौर के बहुत बड़े यानी नाकिद हैं आप आप अपनी किताब के अंदर लिखते हैं तलखीसम के अंदर के ये ऐसे रावियों से रिवायत की गई है जो आज तक पैदा ही नहीं हुए हैं यानी सलात जो है नबी वसल्लम पर गड़ी गई झूठों में से एक झूठ है इमाम इब्ने रजब हम्बली रहे मारिफ़ आम में बली रता अपनी इस किताब में कहते हैं रजब के पहले जुमा की रात सलात रगाय पढ़ने के मुतालिक जो अहदीस मरवी है वो सब की सब झूठी बातिल और गैर सही है और ये नमाज जमहूरमा के नज़दीक बिदात है जो चौथी सदी हिजरी में ईजाद की गई ना ये नमाज नबी के जमाने में थी न ये नमाज सहाबा के जमाने में ना न नाबईन के जमाने में बल्कि उसके बाद के अदवार में जो है इस को ईजाद कर लिया गया और इसके बारे में मोहम्मद बिन ताहिर अल हिंदी मोहम्मद बिन ताहिर अल हिंदी रही तजुल नामी किताब के अंदर कहते हैं सला तो मौजूद बिल इतफाक तमाम मुहदसिन का इस बात पर इतफाक है कि सलातुर रगैब जो है ये एक झूठी नमाजों में से नमाज है एक झूठी नमाज है और इसकी हदीसे

कि ये नमाज मन घड़त है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ गढ़ी गई है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर और कहते हैं जिस शख्स को हदीस रसूल के फन से थोड़ी बहुत भी मोहब्बत हो जिसको मारिफत और इल्म हो जब वो इस हदीस के अल्फाज को पढ़ेगा तो खुद ही जान जाएगा कि हदीस अल्लाह के नबी पर गढ़ी गई है तो याद रखें जो नमाज रगाइब के नाम से रजब के महीने में पढ़ी जाती है वो नमाज क्या है बे हदीस मौजू है ज़ीफ़ है मन घड़त है इस नमाज से हमें और आपको बचना चाहिए और अपने आप को बचा के रखना चाहिए हती के हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आलिम दीन मौलाना अब्दुल हई लखनवी फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर इन باتفاق सलात المحدثين او كلهم ولا عبره بمن خالفهم मुहदसन من كان कहते हैं कि सलात ऱ वाली हदीस जो है ये मन है झूठी है तमाम मुहदसिन ने इसको झूठा करार दिया है कहते हैं कि अब मुहदसिन की मुखालिफत कोई भी कर ले मुहदसिन की मुखालिफत कोई भी कर ले इससे फ़र्क नहीं पड़ता ये नमाज क्या है बातिल है छूटी है और एक चीज याद रखे इस तरह की नमाजें जो है आ, ऐसी ऐसी कैफियत की जो नमाज है अमूमन सूफियों के यहां पाई जाती है उमून क्या है सूफियों के यहां पाई जाती है आप देखें बड़ा मशहूर आलिम दीन है महाराष्ट्र का एक शख्स है फारूक रजवी के नाम से हम जिसे जानते हैं एक दिन अपनी तकरीर में एक पीर साहब की नमाज का उन्होंने तस्करा किया और करते करते कहते हैं कि पीर साहब सजदे में गए एक नमाज में एक रकत में कितने सजदे होते हैं कित होते दो होते दो रकत में अच्छा कहते पीर साहब सजदे में गए उठे फिर सजदा किया फिर उठे फिर सजदा किया फिर उठे फिर सजदा किया अल्लाह अकबर नमाज मेरे नबी की नमाज नहीं है यह नमाज क्या है मेरे नबी की नमाज नहीं है और आपने कहा सल्लु कमारि जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखा वैसे ही पढ़ो उसके अलावा तरीके पर या उसके अलावा किसी और कह लीजिए तरीके पर नमाज पढ़ी जाए तो वह नमाज़ अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है वो अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है तो सलात तो वब जो रजब के महीने में पढ़ी जाती है जैसा कि मैंने आपको मुहदसिन के अकवाल सुनाए हैं बे इत्फा के मुहदसिन क्या है ये मौजू है ये गलत है और इसका वजूद कहीं भी हमें नहीं मिलता है अच्छा रजब के महीने में होने वाली बिदात में दूसरी बड़ी मशहूर बिदात है वो क्या है कि लोग इस महीने में रोज़ों का खास तौर से एहतमाम करते हैं रोजों का क्या क्या है खास तौर पर एहतमाम करते हैं जबकि अगर सुन्नत रसूल वसल्लम देखा जाए या अहदीस की किताबों को खंगाला जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक भी रिवायत सही सनत से नहीं मिलती कि आपने रजब के महीने में सोमवार जुमेरात और तेरह चौदह और पंद्रह तारीख के अलावा रोजा रखा हो या रखने की तरकीब दिलाई हो इमोल्ला से, से नकल किया है कि इमाम रज़ब में रोजा नहीं रखते और इससे मना फरमाते और कहते थे मा फ़ी सुयाम रसूलम शही किताबुल देखे इमाम के उसमें यह कौल मिलता है इमाम अब्दुल्लासारी का आप कहते हैं कि रसूल से रजब की फजीलत या इसके रोज़ों की फजीलत के बारे में एक भी हदीस सही सदस्य में नहीं मिलती है एक भी हदीस और हाफिज इबन हजर अस्कलानी रहमोह का कौल तो बड़ा जामे है आप कहते हैं माह रजब की फजीलत या इसके रोजों की फजीलत या इसमें किसी खास दिन रोजा रखना जैसे अमूमन क्या है सत्ताईस रजब को लोग रोजा रखते हैं माजरत बाईस या सत्ताईस बावीस रजब सत्ताईस को रखते हैं बरे सत्ताईस या बाईस दोनों ले लेते हैं तो कहते हैं कि खास करके यानी करके किसी दिन का रजब में रोजा रखना यह भी साबित नहीं या रजब के रातों के ताल्लुक से कहते हैं कि किसी भी रात की कोई फजीलत भी साबित नहीं और इस बाब में जो भी हदीसे मिलती है उनमें से कोई भी सनत के अतबार से सही नहीं है क्या है सही नहीं है और इस ताल्लुक से मजीद फरमाते हैं वह अम अदीत फी फद रजब ओ फी फद्या औयाम فهي على फलम जो मैंने बात पहले बताई कहते हैं कि रजब के महीने की फजीलत में या इसके रोज़ों की फजीलत में या इनमें किसी खास दिन के रोजे के फजीलत में जो हदीसें हमें मिलती है इसकी दो किस्में पहली किस्म क्या है या तो वो ज़यीफ है या फिर वो क्या है पहले तो सनत के एतबार से जयीफ है या फिर सनत के एतबार से मौजू है मन घड़त है अल्लाह के वसल्लम पर घड़ी गई हदीसों में से हदीस है अल्लाह अकबर चले जो हदीसें बयान की जाती हैं रजब रज़, के फजीलत के तल्लुक से या उसके रोजे की फजीलत के तल्लुक से आप देखें इंसान क्या है के बड़ा शॉर्टकट तलाशने वाला है यह हमारी आदत है हम क्या करते हैं शॉर्टकट तलाश लेते हैं एक हफ्ते नमाज मत पढ़िए जुमेरात के दिन फातिया करवा लीजिए आपकी पूरी नमाजों की जिम्मेदारी पीर साहब के सर पे खत्म ये शॉर्टकट है हमारे पास आप देखें रजब की के रोजों की फजीलत में एक बड़ी मशहूर हदीस है कहते हैं मैं उसका उर्दू तर्जमा पढ़ रहा हूं आप सुनिए बेशक रजब का महीना अजमत वाला महीना है जो शख्स एक दिन का रोजा रखे अल्लाह ताला उसके लिए एक हजार साल के रोजे लिखता है जो दो दिन रखे उसके लिए दो हजार साल जो तीन दिन के रोजे रखे उसके लिए, तीन हजार साल जो सात दिन के रोजे रखे अल्लाह उसके गर्दन को जहन्नम से आजाद कर देता है और जो रजब में आठ दिन का रोजा रखे उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं और कहा जाता है जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ और जो शख्स पंद्रह दिन का रोजा रखे रजब में उसकी नेकिया जो है उसके गुनाह जो है नेकियों में बदल दी जाती है और एक ऐलान करने वाला आसमान से ऐलान करता है तुम्हारे गुना माफ कर दिए गए अब तुम नए सिरे से अमल शुरू कर दो और जो शख्स इससे ज्यादा रोजा रखे उसे इससे ज्यादा अता किया जाएगा यहदीस रजब के रोजे की फजीलत में बड़े बड़े आलिमों को हमने सुनाते हुए देखा है याद रखे एक चीज इस रोजे की फजीलत की जो हदीस बयान की गई है इसे इमाम जौजी रहमहुल्लाह ने अपनी अलमौजुआत के अंदर नकल किया मैं फिर कहूंगा कि अल अलमौजात कौन सी किताब है जिसमें सब झूठी हदीसों को जमा किया गया है ताकि उम्मत को इस बात का इल्म हो जाए अच्छा एक चीज यहाँ याद रखें बाद इमाम जहाबी रहमहुल्लाह ने बड़े मशहूर आलिमदीन है अपने दौर के आप कहते हैं कि इस हदीस की सनद में दो बड़े मशहूर झूठे रावी हैं अब हम अपनी बात कहें बगैर दलील के तो भाई कोई मानेगा नहीं नहीं आप तो वहां भी हैं आप ऐसे ही कहते आप हर चीज को विदत बताते नहीं आप खुद से पढ़िए असमाओं रिजाल की किताब के देखिए उसमें दो रावी हैं पहला रावी अली यजीद और दूसरा हारून बिन अंतरा नामी ये दोनों क्या है अपने दौर के बड़े बड़े कद्दाब और झूठे थे बड़े बड़े कद्दाब और झूठे थे और इसके अलावा इमाम इबन इराक़ रह इसहाक बिन इब्राहिम अल खतली नामी रावी की भी निशानदही की है और कहा कि ये भी रावी है और यह भी नबी पर झूठ बोलता था एक हदीस की सनद में तीन तीन मौजू रावी और ऐसे अशखास हो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ गढ़ते हो अब उसके बाद अगर कोई इन हदीसों को कबूल कर ले तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा अहमक इस सरजमीन पर कोई नहीं है और आगे आइए और चीज एक और, और हदीस बयान की जाती है उसका भी तर्जमा कि जो आदमी रजब में एक दिन का रोजा रखे और उसमें चार इस तरह पढ़े कि पहली रकत में सौ मरतबा और दूसरी रकत में सौ मरतबा सूरत अखलास तो उसकी मौत नहीं आएगी यहां तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना देख ले अब भाई ऐसी फजिलत बयान की जाए तो कोई तो भी मान लेता जाने दो भाई पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ा कम से कम ये नमाज तो पढ़ ही लेता हूं मैं अब वो करता ही बेचारा क्या कहते है? मरता क्या ना करता अब वो अपने बारे में अपने अमाल की फिक्र करके परेशान है लेकिन वो जब ये शॉर्टकट देखता है तो कर लेता है जबकि इसके बारे में खुद इमाम इब्न जवजी रह अपनी किताब अल मौजूआत में कहते हैं हाद मौजून अला रसूल वह अक्सर ही मजा ही लू ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गड़ी गई झूठ है और इस सनद इस हदीस की सनद में जितने भी रावी बयान किए गए हैं वो सारे के सारे क्या है मजहूल रावी है जिनका तस्करा और जिनकी हालात जिंदगी क्या है हमें नहीं मिलती है एक चीज याद रखें कि बाज़ हमारे भाइयों ने एक चोर दरवाजा खोला है कि भाई हम जो है अगर फ़दायल में ज़ईफ़ हदीसों को और मौजू हदीसों को बयान कर दें तो इसमें क्या हर्ज है लोगों को तरगीब दिलाने के लिए लोगों को दीन के करीब करने के लिए वो क्या करते हैं कि हम फ़दाइल की हदीसों को बयान कर देते हैं एक चीज़ याद रखें कि हदीस फजाइल के बाब में भी जईफ और मौजू रिवायतों को नहीं बयान करना चाहिए क्यों इसकी एक दलील सुनिए सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत है पहले ये दलील सुन लीजिए आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन النار जो मेरे ऊपर जानबूझ के झूठ बोले वो यकीन कर ले कि उसका ठिकाना जहन्नम है इस हदीस के बारे में इमाम इबन रह ने कहा कि इस हदीस को अंठानवे साहबा ने, ने रिवायत किया नाइनटी एट उसके अलावा इमाम सलाह इब लिखते हैं कि इस हदीस को बासठ साहबा ने रिवायत किया जिसमें अशरय मुबशरा साहबा भी शामिल है आप सोच के देखें अल्लाह के नबी ने कहा कि जो मेरे ऊपर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले आपने ये नहीं कहा कि अहकाम में झूठ नहीं बोलो फवाइल में झूठ बोल दो मौजू और जयफ़ रिवायत के इधर हकीकत झूठ है दर हकीकत क्या है झूठ है और इस, इस हदीस को जो है यानी समझ लीजिए कि एक ये पहले तो जान रही है मतवातिर हदीस है जिसे साहबा की एक बहुत बड़ी जमात ने रिवायत की है बहुत बड़ी जमात ने और इमाम नववी रहे मौला कहते हैं कि नबी करीम पर झूठ गढ़ना हराम है और गुनाह कबीरा में से है अल्लाह अकबर उन कबीरा गुनाहों में से है जो सबसे बड़े गुनाह है अल्लाह अकबर और बड़ी बुराइयों में से एक बुराई है चाहे वो इफ्तरा परदाजी आगे जो कहते चाहे वो झूठ जो है आप अहकाम के बाब में बयान करें या व तरहीब के बाब में यानी फदाइल के बाब में या लोगों को डराने के लिए बयान करें तो याद रखें हर हाल में जो है अहदीस का गढ़ना ये हराम है झूठी हदीसों को बयान करना चाहे अहकाम हो या फजाइल हो जायज़ नहीं बल्कि इमाम नबी रहमल कहते हैं कि पिछले दौर में एक करामिया फ़िरका था

आपने कहा कि तुम मुझ पर झूठ ना गढ़ो क्योंकि जो शख्स मुझ पर झूठ गढ़े वो यकीन जहन्नम में जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ झूठ गढ़ना गढ़ना क्या है या झूठ बोलना ये हराम है अब वो झूठ जो पिछले लोगों ने ज़ईफ हदीसों की सूरत में बोली या फिर मौजू आ की सूरत में बोला उनको सुनाना उनको बयान करना ये क्या है नाजायज है हराम है हाँ इसके बारे में मुहदसिन ने एक बड़ा बेहतरीन उसलूब पेश किया है खतीब बगदादी रहमोल्ला ने कहा है कि मुहदस पर वाजिब है कि वो मनघणत बातिल और अहदीस में से कोई हदीस रिवायत ना करे और जो शख्स ऐसा करे वो वाज गुनाह का मरतकिब और कद्दाबीन के ग्रोह में है हाँ एक मसाला यहाँ यह है कि जो भी हम हद, हदीसें बयान करते हैं अगर वो सनत के एतबार से ज़ईफ़ है या मौजू है तो हमें चाहिए कि हम वो बतला दें लोगों को कि भाई मैंने ये जो हदीस बयान की है इस पर सही हदीसें तो मिलती है हमें लेकिन ये जो हदीस मैंने बयान की है क्या है ये ज़ईफ़ है या मौजू है तो हमारी ये जिम्मेदारी क्या है कि हम लोगों को बतला दें लिहाजा याद रखें रजब का महीना हो या इसके अलावा जो दिगर महीने हैं उन महीनों के ताल्लुक से जो भी हदीसें बयान की जाती है वो हदीस क्या है जयफ है मौजू है और एक हदीस वो जो बड़ी मशहूर है वो क्या है काजिम भाई कल आप मुझे बता रहे थे नहीं नहीं रजब के ताल्लुक से हाँ अल्लाहुम्मा, बारिक लना रजब व व वल्लिखना रमजान ये भी उन हदीसों में से है जो बड़ी झूठी और है इसका चलन बहुत है हमारे नौजवानों के पास व्हाट्सएप पर आते कि मसला हल और एक एक चीज मैं आपको हदीस और इंटरनेट पर आम है कि जो सबसे पहले रमजान की खुशखबरी सुनाए उसके लिए क्या है जन्नत है मतलब मजाक हो रहा है मजाक है ये सब चीजें लोग समझते कि जन्नत जाना मजाक है जहन्नम से बच जाना मजाक है लोग समझते है। नहीं आप सबसे मैं कहूंगा और जहां तक मेरी बात जा रही अपनी खातन से अपने नौजवानों से आपके पास कोई भी हदीस आए कोई भी हदीस आए आप सबसे पहला काम कीजिए कि वो किसी आलिम दीन को दिखला लीजिए अगर आपको उसका इल्म नहीं है तो इल्म है तो अच्छी बात है वल्ला है मैंने हम एक जगह बैठे हुए थे मैं था और हमारे दोस्त वगैरह थे तो क्रिकेट ग्राउंड में थे तो एक साहब ने हदीस क्या सुनाई कि लोग पिछले जमान जमाने में बुत रख के नमाज पढ़ते थे इसीलिए कहा गया कि रफुल दैन करे बुत गिर जाएंगे तो पूछा भाई यह हदीस कहां पढ़े तो कहते सही बुखारी में सही बुखारी में पढ़ा भाई हैरत की बात है जामे सेल्फिया में हम लोगों को पूरी सही बुखारी पढ़ाई गई आज तक यह हदीस हमारी नजर से नहीं गुजरी तो यह आलम है हदीस कुछ भी लिख दिया लोगों ने नीचे सही बुखारी सही मुस्लिम दे दिया हमारे नौजवान बेचारे क्या करते इल्म ना होने की सूरत में हाँ भाई सही बुखारी लिखा है ना काफी हमारे लिए दूसरों तक पहुंचा दिया नहीं आपकी जिम्मेदारी है कि आप पहले तहकीक कीजिए उसकी पहले उसको जांच लीजिए परख लीजिए उसके बाद आप पहुंचाइए क्यों अगर वो सही है तो अगर किसी ने सही पर अमल किया तो आपको अजर है लेकिन अगर वो गुनाह पर अमल करे आपकी वजह से गलती पर अमल करे तो उसका बवाल भी हमारे ऊपर ही आने वाला है तो इनसे यही करेंगे इनशाला यही करेंगे लाह अकबर चले रजब के महीने के ताल्लुक से जो बिदात आम है उनमें एक तीसरी बिदात यह है कि रजब की सत्ताईसवीं रात की इबादत रजब की सत्ताईसवीं रात की इबादत और उसके अगले दिन का रोजा हम अल्लाह मेरी वालदा पर रहम फरमाए जब हम हयात में जब वो हयात में थी तो छोटे थे हम तो रजब के महीने में रोजा रखवाते थे तो हम पूछते थे अम्मा ये रोजा किस चीज का है कहती बेटा इसको हजारी रोजा कहते हैं एक रोजा रखे तो एक हजार रोजों का स्वाब है अल्लाह अल्लाह पर, मेरी वालदा रहम फरमाए, अल्लाह हम सब की वालदा पर रहम फरमाए बहरहाल तो लोगों में ये बात बड़ी मशहूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और जो है, वो सत्ताईसवीं रजब को कराई गई लिहाजा इसीलिए लोग जो है उस रात में खास इबादत का अहतमाम करते खास इबादत का अहतमाम करते सुहा खास इबादत का अहतमाम करते हैं इस सिलसिले में मैं कुछ बातें आपको बता देना मुनासिब समझता हूं ईद आप कितनी तारीख को मनाते हैं शवाल की कितनी तारीख को पहली कितनी तारीख को पहली. चले ठीक है ईद उल अजहा जिलहजा की कितनी तारीख को मनाते हैं दस तारीख को अरफात का दिन कितनी तारीख को जानते हैं नौ तारीख को ठीक है इसमें किसी का इख्तलाफ है नहीं क्यों नहीं है है इख्तलाफ ना होने की सही हदीस मौजूद है बारक अल्लाह फिकुम और अमल रहा है यह असल मुद्दा है सही हदीस मौजूद है और अमल रहा है अल्लाह के नबी वसल्लम ने इन दिनों का खास एहतमाम किया है और आपके बाद सहाबा ने इसका अहतमाम किया है और उनके बाद ताबईन ने, तबा ताबईन ने मुदसिन ने मद्दीन ने किया है लेकिन सत्ताईसवीं रजब की रात के एहतमाम के बारे में इख्तलाफ है अगर उसका एहतमाम इतनी सख्ती से अल्लाह के नबी ने किया होता जैसे आपने रमज़ान और शा वगैरह का अहतमाम किया है तो शायद उम्मत में अख्तलाफ ना होता यह होता अख्तिलाफ नहीं होता साहबा ने आपके बाद अगर खास अहतमाम किया होता तो क्या इख्तलाफ होता इसमें नहीं होता याद रखें सत्ताईसवीं रजब को ही अल्लाह के नबी को आ, के के साथ इसरा और मेराज का वाक पेश आया इसके माबेन मार्किन के दरमियान बहुत ज्यादा इख्तलाफ पाया जाता है बाज लोगों ने तो यहां तक जिक्र किया है कि तकरीबन दस और ऐसे ही मौर सफी रहमान मुबारकपुरी रहम ने जो रहता है उन्होंने छह अकवाल जिक्र किया इम्मा के. कि क्या है फला तारीख को फला तारीख को एक कौल क्या है कि हिजरत से एक साल पहले अव्वल के महीने में हुआ यानी नबुअत के बारहवें साल और ऐसे ही आ, एक कौल ये जिक्र किया जाता है हिजरत से छह माह पहले हुआ एक कौल यह है कि हिजरत से आठ महीने पहले मेराज का वाक्य पेश आया एक कॉल की हिजरत से एक ग्यारह महीने ये वाक पेश आया तो किसी ने कुछ किसी ने कुछ अपने अपने एतबार से बयान किया है लेकिन इस ताल्लुक से जो ये कॉल कहा जाता है कि सत्ताईस रजब को पेश आया जो लोग ये कहते हैं कि हिजरत का वाकया जो है जो लोग ये कहते हैं कि नबूत के दसवें साल सत्ताईस रजब को पेश आया नबूत के कितने साल दसवें साल सत्ताईस रजब को तो इसके बारे में मौलाना सफीर रहमान मुबारकपुरी रह्ला ने बड़ी बेहतरीन वजाहत की है कहते हैं कि यह कॉल के सत्ताईस रजब को पेश आया नबूत के दसवें साल यह सही नहीं है उसकी वजह उन्होंने बड़ी मजबूत दी आप कहते हैं कि पांच वक्त की नमाजें जो है हजरत खदीजा रजियल्ला के वफात के बाद पेश फर्ज हुई हैं कब फर्ज हुई है हजरत खदीजा रजियल्लाह की वफात के बाद यानी नबूत के दसवें साल माहे रमजान में अल्लाह अकबर हजरत खदीजा रजियाल्ला जो है नबूत के दसवें साल रमजान में फौत होती है नबूत के दसवें साल रमजान में तो रजब का महीना जो है रमजान से पहले आता है या रमजान के बाद रमजान से पहले तो उन्होंने इस चीज को दलील बनाई है कि हजरत खदीजा रजियाल्लाह तबूत के दसवें साल फौत होती है रमजान में और नमाज में में फर्ज हुई है तो ये मुमकिन ही नहीं कि सत्ताईस रजब को मेराज हुई हो बड़ी बेहतरीन उन्होंने कवि दलील दी है हाँ जो सही कॉल है जिस पर अक्सर बेशतर अइमा का अमल है वो ये है कि हिजरत से एक साल पहले रबी अल के महीने में पेश आया है यानी बारह नबुवत माहे रबी अल में पेश आया है उसकी दलील क्या है कहते हैं कि इमाम जोहरी और इमाम इब्ने जुबैर रह का ये कौल है कि बैतुलमुद्दस की तरफ आपको जो सैर कराया गया ये आपकी मदीना रवानगी से एक साल कबल है और इनका ये कौल जो है ये याद रखे असल मुद्दा ये है। क्यों ये मैं मैं भी इसका कायल कायलू क्यों ये ज्यादा सही है आप कहते हैं कि इनका ये कौल मूसा बिन उकबा रहा ने अपनी तारीख में जिक्र किया है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम के रावियों में से है और इनके बारे में इमाम यहिया इब्ने मईन रहमतुल्लाह कहते हैं कि सीरत की किताबों में मूसा इब्ने उकबा की किताब जो उन्होंने इमाम जोहरी से रिवायत की है सबसे सही किताब है इमाम मूसा इब्ने उकबा रहमतुल्लाह ने अपनी सीरत की किताब में यह लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज कराई गई वो रबील अव्वल का महीना था और नबूवत का बारहवा साल था यानी हिजरत से एक साल पहले यही सबसे ज्यादा सही कौल है चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं के सत्ताईसवीं रजब को ही मेराज कराई गई हम मान लेते हैं इससे यह साबित नहीं होता कि उस रात जो है किसी खास इबादत का अहतमाम किया जाए अगर मसला ऐसा ही था तो भाई आज के मुसलमान नबी की इतबा में अबू बकर उमर उस्मान अली मुआविया अबू हर दीगर तमाम सहाबा रदी अल्लाह मारदा से आगे निकल गए हैं यह ऐसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसका इल्म अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तुम को हुआ ही नहीं हुआ ही नहीं उनका इल्म उनको इल्म के सत्ताईस रजब को भी इबादत करनी है रात को जाग के अगर हुआ होता तो वो इबादत करते वो इबादत करते यह ऐसी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं जिसका इल्म हजरत उमर रजी अल्लाह तुम को नहीं हुआ ऐसी कर रहे जिसका करीबी चहती बीवी उमिन सिद्दीका रदी अल्लाह तभी नहीं हुआ आज लोग ऐसी सुनत पर अमल कर रहे हैं सत्ताइसवी रजब की इबादत और सुबह में रोजा रखना अल्लाह अल्लाह रबीन की पढ़ा ये बड़ी बिदात में से क्या है बिदात है इसके बारे में अब्दुल हई लखनवी के अपनी बात को आगे हैं कि जो बिलाद हिंद में यानी हिंदुस्तान में हिंदुस्तान और पड़ोसी ममालिक में जो ये मशहूर है कि शब मेराज की सुबह को रोजा रखना एक हजार रोजों के बराबर है तो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है इसकी कोई दलील नहीं है लिहाजा शबे मराज मनाना क्या है ये सुन्नत से साबित नहीं है रजब के महीने में जो लोग सऊदी अरब में रहे हैं उनको इस बात का इल्म होगा कि शैतान जो है मैं पहले ये बतला दूं शैतान लोगों को कहीं भी नहीं छोड़ता आप हरम में खड़े हैं तो भी वो आपको वसवसे डालता है कहीं भी नहीं छोड़ता वो आप नमाज में तो भी वसवसे डालता है तो यहां से जिनको बिदात की आदत होती है वो माशाला रजब के महीने में जो है खास उम्रों का करते हैं मदीने में रह तो रहे। रहे लंबे अरसे तक सऊदी अरब में अल्लाह उन पर रहम फरमाए उनके अलो आयाल पर रहम फरमाए जो लोग रहे उनको मालूम है कि अहले बिदात जो है खास करके रजब के महीने में उम्र का अहतमाम करते हैं और उसे उम्र रजबिया कहा करते हैं जबकि सुन्नत से चीज साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है रजब के महीने में उमरा किया हो मैं ताल्लुक से एक दलील तो सही बुखारी सई सही मुस्लिम की रिवायत है हजरत अनस रदी ताला तु का बयान है कि अल्लाह के ने चार उमरे किए हैं अल्लाह अकबर और वो चारों उमरे जो है कहते हैं हजरत अनस रदी अल्लाह तुके सब के सब दा के महीने में थे सिवाए एक उमरे का जो आपने जुल के महीने में हज के साथ किया है पहला उमरा अल्लाह के नबी ने हदेबिया के मकाम से किया जो जुल्कादा में पेश आया दूसरा जो पहला उम्र जो आप उम्रे के लिए गए थे जब सुलेह उदेबिया हुआ वह जुल्कादा के महीने में पेश आया दूसरा दूसरा उमरा उसके बाद वाले साल जो गए वो भी जुल्कादा के महीने में पेश आया तीसरा उम्र जो है आ, गजवा हुनैन के बाद आपने किया जयराना नमी जगह से अहराम बांध करके वो भी दा में पेश आया चौथा उमरा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है वो हज के साथ किया है और हज तो रजब के महीने में नहीं होता हज रजब के महीने में होता है नहीं जुल्हिजा के महीने में होता है तो रजब के महीने में उमरा करना और ये समझना की अफजल है बहुत बेहतर है बड़े सवाब के लायक है तो ये हमारी बिदातों में से एक अजीम और बड़ी बिदात है और एक आखिरी मसला रजब के महीने में की जाने वाली बिदात में एक गलीज किस्म की बिदात है रजब के कुंडे रजब के कुंडे ये गलीज़ किस्म की बिदात में से है इसकी कई बुनियादी वजुहत हैं पहली वजह तो याद रखें रजब के ये कुंडे जो है इमाम जाफर सादक रहा के नाम पर किए जाते हैं और इसके ताल्लुक से हमारे बदनसीबी हम हम हिंदुस्ानियों की कह लीजिए कि इस बिदात को यहीं से रिवाज मिली हिंदुस्तान के एक शख्स ने एक किताब लिखी दास्तान अजीब के नाम से दास्तान अजीब के नाम से अल्लाह अकबर और कह लीजिए सोने पर सुहागा कि इसके ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी है नमाज और न्याज के नाम से शायद यहाँ अक्सरियत को मालूम ना हो यह मैंने बचपन में अपनी माँ से सुना था इसके ऊपर लोगों ने एक फिल्म भी बनाकर रखा वजह यह है कि हमारे ननिहाल में एक कुंडा हुआ करता था बचपन से हमने देखा है बचपन से हमने देखा है वल्ला है। तो मैं पूछता था क्यों काहे के लिए तो बताती थी कि एक फिल्म है नमाज और न्याज के नाम से उसमें एक आदमी का वाकया बयान किया गया जो बड़ा परेशान हाल था मोहताज था और उसके खाब में गालिबन इमाम जाफर सादिक आया और बताया कि बाईस रजब को कुंडा कर लो और मेरे नाम का फातिहा दिलवा लो तुम्हारी सारी परेशानी दूर और उसकी परेशानी दूर हो गई सुबह ये मसला है और ये जो बात है कि रजब के कूडे के ताल्लुक से इसके बारे में मैं आपको दो चीजें बुनियादी बतलाता हूं जिन मुसलमानों तक मुसलमानों तक मेरा पैगाम जा रहा है वो भी सुने वो भी सुने और जो यहाँ मौजूद है वो भी सुने रजब के कुंडों के ताल्लुक से दो बड़ी बुनियादी बातें जो हमारी अक्सरियत नहीं जानती खास करके वो लोग जो अपने अहल सुन्नत वाल जमात होने का दावा करते हैं और उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं कि रजब के कुंडे क्यों किए जा रहे वो क्या कहते हैं इन्ना वजदना आबा अना हमने अपने बाप दादा को ऐसे ही पाया हम उन्हीं के राह पर चल के हिदायत याफ्ता है आपको मालूम होना चाहिए कि रजब के कंडों के, के जरिए सबसे बड़े शैतान शेख शद्दू या नर्सों की इबादत होती है शायद आप लोगों को ना मालूम हो रजब के कुंडो के जरिया नरसो या शेख शद्दू जो शैतान है सबसे बड़ा उसकी इबादत होती है आपको मालूम है रजब का जब खीर पकाया जाता है कुंडो के लिए मैंने देखा है मैं सुनी सुनाई बातें नहीं करता मैंने देखा है अपने ननिहाल में हम रात को चले जाते थे देखने के लिए क्या होता है औरतें नहा धुल करके साफ सुथरा हो गई उसके लिए लकड़ी भी अलग है चूल्हा भी बिल्कुल नया होना चाहिए बर्तन भी साफ सुथरी होनी चाहिए नहा धुल करके घर को पूरा साफ सुथरा कर दिया गया और उसके बाद जो है खीर बनाई जाती है पूड़िया तली जाती है खीर बनाने की कैफियत खीर बनाया और उसमें चांदी की एक अंगूठी डाल दी जाती है आपको मालूम होना चाहिए चांदी की अंगूठी डाल दी जाती है बनने के बाद चार छोटी छोटे घड़े लाए जाते हैं छोटे छोटे और उसमें खीर भर दिया जाता है और पुड़िया भर दी जाती है उसको चारों को सजा दिया लाल रंग का एक कपड़ा उस पर डाल देते हैं लाल रंग का एक कपड़ा डाल देते हैं फूल के माले पहना दिए जाते हैं अल्लाह की कसम मैं सुनी सुनाई बात नहीं करो मैंने देखा है मैंने देखा है लोगों को आकर के उस कूड़े के सामने मन्नत मानते हुए और कैसे मन्नत मानते हैं सजदे में गिर जाते हैं कूडे को हाथ से पकड़ के सजदे में गिरते और कहते दुआ करते हैं उसमें इमाम जाफर सादिक से और मैंने जब पूछा एक खातून से कि ये क्या हो रहा है तो वो कहती है कि बेटा अगर कुंडा घूम गया तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी ये रजब के कुंडे की हालत है और वो जो अंगूठी डाली जाती है उसकी बुनियादी वजह ये है कि जिसके खाने में वह अंगूठी निकल गई आइंदा साल अब उसको भी वो कूड़ा करवाना है अगर वो ना करवाए तो शैतान नर्सों से जिंदा रहने नहीं देता मैंने देखा हमारे इलाके में एक घर के अंदर इस शैतान की पूजा होती थी देख बेचारे तोहीद से महरूम थे तोहीद नहीं जानते थे उस घर के लोगों की हालत ऐसी हो गई गोया के वो सबसे बड़े दीवाने और पागल है हमारे यहां लेकिन अगर तोहेद का इल्म होता तोहद जानते तो ये समझते कि परेशानी जितनी बड़ी भी आए वो अल्लाह की तरफ से है मसला नहीं है वो शैतान हो नर्सो हो और शेख शद्दो हो इबलिस हो कोई फर्क नहीं पड़ता ईमान वाले को वो रब के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता वो रब के अलावा किसी की भी नहीं सुनता रजब के कुंडो में पहली खराबी के लोग उस कुंडे को सजदा करते हैं और वो शैतान की इबादत की जाती है अच्छा और एक बात सुना आपने खा लिया खाने के बाद आप आम नाली में हाथ नहीं धुल सकते मालूम कि नहीं बेसन में हाथ नहीं धुल सकते एक बड़ा सा डब्बा या बकेट रखा हुआ रहता है आपको हाथ वहीं धुलना है प्लेट भी वहीं धुले जाएंगे यानी ये इतना मखसूस तरीके से शैतान की इबादत होती है कि उसका एक चीज जमीन पर नहीं गिरना चाहिए होता क्या है फिर शाम को दरिया किनारे सारे लोग जाते हैं और जाकर के दरिया में वो कुंडे भी बहा दिए जाते हैं ठीक है वो कुंडे भी बहा दिए जाते हैं वो फूल भी बहा दिया जाता है और वो जो गंदा पानी जमा हुआ है वो भी बहा दिए जाते हैं एकदम प्री प्लांट शैतान की इबादत रजब के कुंडों के जरिया होती है जो अक्सरियत हमारी नहीं जानती है जो अक्सरियत हमारी नहीं जानती है और दूसरी खराबी रजब के कुंडों के ताल्लुक से दर हकीकत इमाम जाफर सादिक रहे मोहल्ला ना बाईस रजब को पैदा हुए ना बाईस रजब को उनकी वफात हुई है यह अहले सुन्नत के दावेदार ये जो लोग आज कुंडों में पड़े हुए इन, 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 इनको भी नहीं मालूम है के इमाम जाफर सादिक ना बाईस तारीख को पैदा हुए और ना बाईस तारीख को उनकी वफात हुई है रजब के महीने में दर हकीकत बाईस तारीख को मुजाहिद आदम कहिए मैं कहता हूं उन अदीम मुजाहिदों में से एक मुजाहिद सैदना माविया रजियाल्ला की वफात होती है मेरे पास कई ऐसे पोस्टर्स मौजूद हैं जिनमें अल्लाह की पनाह ऐसी ऐसी गालियां बाईस रजब के हवाले से सईदना माविया के तालुक से लिखी गई है कि जबान पर नहीं आती Wallahi, एक लिखता है इबारत के बाईस रजब को कूडे करो और इस जालिम इसमिल्ला सैदना रदी अल्लाह के ताल्लुक से लिखता है कि इस उसे जो है नऊद जहन्नम के हवाले कर दो ये अहल सुन्नत के नौजवान जो अपने आप को सुन्नी कहते शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लगाते हैं वाह मै हमेशा कहता हूँ हमेशा कहता हूं, हमेशा कहता हूं। कि शिया तुम्हारे ही भाई हैं और अल्लाह तू हशर भी इनका उन्हीं के साथ करना हम नहीं है इनके भाई ये हमारे भाई नहीं हो सकते हमारे भाई सहाबा हैं हमारे भाई सहाबा है हमारे भाई, है।, हमारे भाई है, है और वो तमाम लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करने वाले शिया हमारे भाई नहीं है हम ये नारा नहीं लगाते ये जो शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लगाते इन्हें बतलाई है ये जो तुम बाईस रजब के कूडे करते हो

ये समझना चाहिए हम नौजवानों को हमारे अहल सुन्नत वाल जमात के नौजवानों को हमारी खातन को कि आपको दीन के नाम पर इतनी बड़ी बिदात में मुबतला किया गया है कि उसी पर अगर खातिमा हो जाए तो आपकी मौत क्या है ऐसी मौत होती है जिस मौत के बाद अल्लाह तला ने जन्नत को हमेशा हमेश के लिए हराम करके रखा है लिहाजा याद रखे रजब के महीने में जो भी बिदातें अंजाम दी जाती है इनमें से कोई भी चीज सही से साबित नहीं है ना नमाजे और रगैब के तल्लुक से ना ही रजब के रोजों के तल्लुक से ना ही सत्ताईस रजब के रात की इबादत और उसके सुबह के रोजे के ताल्लुक से ना ही बाईस रजब के कुंडों के ताल्लुक से और जो लोग भी इसमें पड़े हैं जो इन बिदात से घिरे हुए हैं मैं आपसे गुजारिश करता हूं आप हमारी ना सुने हमारी ना सुने हमारा चेहरा ना देखें कम अज कम आप अल्लाह के नबी वसलम की तो सुन लें कम से कम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला तो कर लें चले वही सीरत की किताब पढ़ें जो आपके मसलक के आलिम ने लिखा है और देखें क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सत्ताईस रजब या बाईस रजब को इस तरह की बिदातें की है जो आज मुआशरे में आम है आप हमारी ना सुने मैं नहीं कहता आप मेरी सुनिए आप अपने उलमा की किताबें ही पढ़ करके देखिए अपने उलमा की तालीमात पढ़ करके देखिए क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया और करने का हुक्म दिया और नहीं तो कम से कम इमाम जाफ़र सदक रहम्ला की जो है सही सीरत तो आप पढ़ करके देखिए क्या कभी उन्होंने ये मुमकिन है कि इमाम जाफर सादिक रह जो अहले बैत में से है वो लोगों को यह हुक्म दे के मेरे नाम पर तुम बिदात करो मेरे नाम पर नजर नियाज करो और यही रह गया था कि दीन आ, मतलब एक अकीदा है सूफियों का सूफियों का अकीदा है और शियों का दर हकीकत यह अकीदा बाद में यह सूफियों में आया है क्या अकीदा है दीन जो है सीना बस सीना पहुंचता है और दीन नबी ने मुकम्मल नहीं पहुंचाया कुछ चीज़ें बाकी रह गई जो शियो के आइमा या सूफियों के औलिया आकर के पूरा करते हैं और ये मैं समझता हूं उन्हीं बिदात में से है जो 1400 साल बाद इजाद की गई इस इतने बड़े अजर और सवाब का इल्म मेरे नबी को नऊद बिल्ला नहीं था और नबी ने अपनी उम्मतियों को नहीं बतलाया जबकि हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वो खैर की बात बतलाई जो हमारे लिए खैर है और हर उस शर से हमें आगाह किया जो हमारे लिए शर है लिहाजा याद रखें इन बदात से बचना है अपने दीन ईमान की हिफाजत करनी है अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह लबीन मुझे आपको और तमाम अहले इस्लाम को माह रजब और दिगर तमाम महीनों के बदात से बचने की फरमाए अदा फ़रमाएलमीन तो हम सबको खालस दीन इस्लाम पर अमल करने की तोफ़ीदा फरमा दे इलामिन तो हम सब को सुन्नत रसूल सल्सम पर अमल करने की तोफ़ी फ़रमा दे इलामिन हमें जो परेशान हाल है अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे अल्लाह हमें जो बीमार हैं तो उन्हें शिफा काम आज लाता फरमा दे अल्लाह हमें जो मकरूज़ हैं तो उन्हें कर्ज की अदायगी की तोफ़ीकदा फरमा दे अल्लाह हमारे जो नौजवान अपने रज के मामलों में परेशान हाल हैं अल्लाह तो उनके रज के मामला को आसान कर दे अल्लाह हमारी जो बहनें अपने घरों में अपने रिश्तों के लिए बैठी हैं अल्लाह तो उनके लिए बेहतरीन दीनदार الله توجبتك الدنيا من زيندارك دين الإسلام من زيندارك ونحنا خاتم اسلام إيمان الإسلام حالته هو وآخر دعمنا إن الحمد الله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مزيد علماء ومؤررين كبيانات سمعة ليه هم أربعة يوتيوب قناة جزاك الله